राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अध्यासन केंद्र की ओर से महाराज बाग कन्वेंशन हॉल में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था, जहां यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव थोरात विशेष रूप से मौजूद थे। इस समय बोलते हुए डॉक्टर सुखदेव थोरात ने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समानता प्रस्थापित करने के लिए संविधान की निर्मित की थी, लेकिन आज भी आदिवासी दलित समाज का यथोचित विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते वंचितों के लिए विशेष कानून बनना आवश्यक है। इस समय नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुभाष चौधरी समेत व्याख्यानमाला के अध्यक्ष मानवीय विज्ञान शाखा अधिष्ठाता डॉक्टर श्यामराव कोरेटी तो अध्यासन प्रमुख डॉक्टर अविनाश फुलचले आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि दिनांक 14 दिसंबर को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अध्यासन केंद्र की ओर से महाराज बाग कन्वेंशन हॉल में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। उस समय वह बोल रहे थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।